स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30। द एंगल्स ऑफ ए एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ ए 4 मीटर एंड ए 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंड इन ए स्ट्रेट लाइन विद इट आर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ ए टावर इज 6 मीटर। तो यहाँ देखो, ये जो ए बी दिया हुआ है, ये टावर दिया है जिसकी जो हाइट है हमें प्रूव करनी है कि वो 6 मीटर है। तो यहाँ दो पॉइंट दे रखे हैं, डी और सी। डी और सी से लेके जो ए टावर तक का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जिन दो एंगल्स का सम करने पे वो 90 डिग्री हो जाए। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो एक एंगल कितना ले लेंगे थीटा और दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो डी से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है वो 9 मीटर दिया है और सी भी कितना दिया है 4 मीटर। तो इसका मतलब ये जो डी सी है इसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है और या नहीं है। तो देखते हैं, पहले ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ए सी बी। तो ट्रायंगल ए सी बी टेन 90 माइनस थीटा। तो ये देखो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस कितना दिया है बी सी। तो जो टेन 90 मतलब होता है चेंज, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, टेन किस में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा। तो ए बी कितना ले लेंगे इसको एच अपॉन ये जो बी सी है, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो ये आ जाएगा h अपॉन 4। ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल लेंगे ए डी बी। तो ए डी बी में tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना दिया है बी डी। तो इसको लिख लेंगे ए बी कितना है, ए बी अपॉन ये जो बी डी है, तो बी डी हमें कितना दे रखा है 9 और ए बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है एच, तो एच अपॉन 9। तो टेन थीटा कितना आ गया एच अपॉन 9। अब क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज निकाली है 1 और 2 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4 एच अपॉन 9। तो जो कोट है वो किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। तो 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 36। तो ये तो टेन टेन कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगी 1 इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 36। तो एच स्क्वेयर कितना आ गया 36 के इक्वल। तो यहाँ पे देखो, ये जो एच है यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी माइनस में और एक आएगी प्लस में। तो जो h है वो हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हाइट जो फाइंड करनी है। तो यही था, हमें हाइट फाइंड करनी थी टावर की जो 6 मीटर है वो हमने प्रूव कर दी है।